नमस्कार जनप्रिय, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें कई दिन से राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं ठप हो चुकी थी। हम बात कर रहे हैं सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल और उसके साथ ही रेजिडेंट्स का जुड़ना, यानी कि पूरी व्यवस्था चरमरा चुकी थी। सरकार लाख दावे करे लेकिन बावजूद इसके स्थितियां बिगड़ गई थी। और हम आपको बता दें कि इस दरमियान 30 लोगों की मौत हुई है। सेवारत चिकित्सकों के और सरकार के बीच समझौता हो गया, और लेकिन उन परिवार जिनके चिकित्सा के व्यवस्था की वजह से अगर मौत हुई तो उसका जिम्मेदार कौन है? चिकित्सक होंगे या फिर सरकार होगी, या ये जिम्मेदारी क्या ये मान सकते हैं कि इस तरह की हड़ताल आखिरी बार है, इसके बाद शायद अब कोई नहीं होगी? क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी जब आखिरी का साल था तो कुछ इसी तरह की स्थितियां बनी थी, और एक बार फिर वर्तमान सरकार के टाइम भी ये स्थितियां बनी। आपको बता दें कि 33 बिंदुओं को लेकर के सेवारत चिकित्सक सामूहिक अवकाश पे थे, जिसे हड़ताल का रूप सीधे नहीं दे करके कहा कि हम अवकाश में हैं, 10,000 सेवारत चिकित्सक के सामूहिक अवकाश पे चले जाते हैं। और उसके बाद जब बातचीत होती है 33 मुद्दों में से तो 5 पर सहमति नहीं बनती है। क्या वो मुद्दे अभी भी स्टैंड करेंगे है कि आने वाले वक्त में सेवारत चिकित्सकों को हड़ताल के लिए क्या इसी तरह से सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए मजबूर करते हों? पूरा मजमून आप देखें हमारे एजेंडे का, उसके बाद हम मुखातिब होंगे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे। एक बार जरा देखिए मुद्दा क्या है। राजस्थान में पिछले 7 दिनों से चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई। रविवार रात सचिवालय में सरकार और डॉक्टर्स के बीच फिर से वार्ता का दौर चला, और इस बार डॉक्टर्स और सरकार के बीच सहमति बनी। सरकार ने 33 सूत्री मांग पत्र पर सहमति देते हुए कमेटी बनाने की बात कही। इसी आश्वासन के बाद प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हुई और सोमवार से डॉक्टर्स काम पर लौट आए। लेकिन डॉक्टर्स की इस हड़ताल का खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ा। डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण प्रदेश भर में 30 लोगों की मौत हो गई। जब से हड़ताल शुरू हुई थी तभी से वार्ताओं के दौर शुरू हो चुके थे, लेकिन जनता के दर्द को कोई समझने को तैयार न था। न ही डॉक्टर्स झुक रहे थे और न ही सरकार। पूरे प्रदेश में हालात बेकाबू होने लगे थे। हालांकि सरकार लगातार ये कहती रही कि वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन वो इंतजाम नाकाफी ही नजर आए। यह पहली बार नहीं है कि डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल का सहारा लिया हो। इससे पहले भी डॉक्टर्स हड़ताल पर जा चुके हैं और कमोवेश यही हालत पहले भी पैदा हुए थे। इस बार मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिर से ये हालात पैदा नहीं होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या मांगे इतनी महत्वपूर्ण है कि उनके लिए चिकित्सक अपना कर्तव्य भूल जाएं और मरीज के साथ खिलवाड़ हो। वहीं सरकार इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए प्रोएक्टिव होकर कदम क्यों नहीं उठाती? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो आपने देखा कि मुद्दा क्या है। यहाँ सवाल एक है कि जब सरकार और चिकित्सकों के बीच इन्हीं मुद्दों पर सहमति बननी थी तो पहले क्यों नहीं बनी? आखिर 30 लोगों की मौत इस दरमियान हुई है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? दूसरी ओर अगर वास्तव में मुख्य मुद्दे अगर सेवर चिकित्सकों को यही हो, और अगर एक साल में भी अगर सहमति नहीं बनी थी तो इसका मतलब सामूहिक रूप से एक बार फिर आम भाषा में हड़ताल, लेकिन चिकित्सकों की भाषा में सामूहिक अवकाश पर जा सकते हैं। तो आखिर हम कहें कि क्या ये कहा जा सकता है कि पूरी इतने दौर की वार्ता 8.5 घंटे तक सचिवालय में रविवार के दिन अगर बैठक होती है तो क्या ये नतीजा फाइनल मान के चल सकते हैं कि इसके बाद कोई स्ट्राइक नहीं होगी, या पूरी तरह से सहमत हो चुके हैं? क्योंकि एक टाइम पीरियड दिया गया है कि 1 महीने में कुछ चीजों को लेकर के और हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ राजस्थान सेवा चिकित्सक संघ के उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जी ओला साहब हैं, भाजपा नेता पंकज जोशी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, आप सभी का स्वागत है। ओला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये पूरी स्ट्राइक को आप किस नजरिए से देखते हैं कि आम व्यक्ति की तकलीफ को यहां जो बात निकल के आ रही है कि ना सरकार समझ पाई ना चिकित्सक समझ पाए, 30 लोगों की मौत इस दरमियान हुई है, क्या इन एजेंडों पे आपको लगता है कि पहले सरकार चाहती तो वार्ता कर सकती थी?
ऐसा है सर, ये मुद्दे कोई आज के नहीं थे। हमारा 2011 में तत्कालीन सरकार से एक समझौता हुआ था, जिस समझौते के तहत जो है हमें तत्कालीन सरकार ने 70% से ज्यादा दे दिया था। 11 में हमारा चिकित्सक जो है 7,950 रुपए में नौकरी करता था। तत्कालीन सरकार के समझौते के बाद हमें जो है लगभग हमारा चिकित्सक जिसकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है 35,000 रुपए दिए गए। हमें डीएसीपी दी जानी थी 11 में नहीं दी जाकर के वो हमें मिली 13 में डीएसीपी के बाद 14 से लेकर के लगातार हम सरकार के संपर्क में थे। निरंतर रूप से जो है हम ज्ञापन देते रहे। पूर्व कालीचरण जी से पहले राठौड़ साहब थे, उनको भी हम ज्ञापन देते रहे हैं। बराबर ज्ञापन का सिलसिला जारी रहा और ये इसलिए कि हम संवेदनशील रहते हुए मरीज को तनिक कष्ट नहीं हो, बराबर जो है गांधीवादी तरीके से ज्ञापन की प्रक्रिया अपनाते रहे जी। लेकिन फाइल पे फाइल चलाते चलाते उसको जलेबी की तरह से घुमाते रहे और आखिर परिणति ये हुई कि हम जो है 8 अगस्त को मंत्री महोदय को फिर ज्ञापन दिया, फिर हमने 11 अगस्त को पूरे प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया। फिर हमने जो है 21 तारीख को पूरे प्रदेश के चिकित्सकों की एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें हमें यह तय करना था कि भाई सरकार ये मान ले, हमारा दबाव समझे, चाहे हमारा निवेदन समझे, जिससे मरीजों को तनिक कष्ट नहीं हो। फिर जो है हमने 18 सितंबर को नोटिस दिया कि 18 सितंबर तक हमारी ये मांगे हैं, इन पे विचार नहीं किया गया, तो हम 2014 से निरंतर जो है आपसे मांग करते आ रहे हैं। हम कोई हमारे सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट की मांग नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य प्रबंधन की मांग कर रहे थे हम। स्वास्थ्य प्रबंधन की मांग के नाम से भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। फिर जो है 18 तारीख का सामूहिक अवकाश हमें मजबूर होकर के ये लेना पड़ा, जबकि हम ऐसा करना नहीं चाह रहे थे। इसके बावजूद भी सरकार ने इस पे कोई विचार नहीं किया। 100 दिन तक गांधीवादी तरीके से, सर मैं एक मिनट और लूंगा, 100 दिन तक गांधीवादी तरीके से काली पट्टी बांधकर कार्य बहिष्कार 1 घंटे का करके, अस्पतालों में झाड़ू लगा करके सफाई करके, हमने जो है जो तरीके काली पट्टी अप्रिन पहन करके सारा तरीका जो अपनाना चाहिए, 100 दिन तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। वार्ताओं का दौर चलता रहा और वो जलेबी की तरह से घूमता रहा। आपको क्या लगता है कि ये जो मांगे हैं, अगर सरकार चाहती तो पहले दौर में भी मान सकती थी, क्योंकि मेजर जो आपकी जो चीजें हैं उन पे कहा गया कि कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे सहमति बनी है। 33 में से आपके 5-7 मांगे हैं शायद जिन पे सहमति नहीं बनी है, जिसमें बाकियों पे बन गई। तो आपको लगता है कि पहले सरकार चाहती तो इन चीजों को निपटारा कर सकती थी? हाँ सर, निपटारा सरकार चाहती तो क्या नहीं होता, जो अपन कहने में आता है, अपन सुनते हैं कि राम और राज का रास्ता सर के ऊपर से होता है और राम और राज चाहता है वो सब कुछ कर देता है जी। और कहने को तो क्या है कि डॉक्टर को आप लोग भी जो है मीडिया वाले भी और प्रिंट मीडिया वाले भी भगवान बताते हैं, लेकिन अब हम क्या है कि भगवान के नाम से डरने लगे। कृपया आप हमें भगवान नहीं बताएं, क्योंकि भगवान के भी पट बंद होते हैं, हमारे तो पट्टी बंद नहीं होते हैं, 24 घंटे पट्टी खुले रहते हैं जी। चलिए पंकज जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे कि ऐसी कोई मेजर मांग नहीं दिखाई दे रही कि जिसपे सहमति ना बन सके। अगर सहमति बननी थी तो 30 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकारों के अब गांधीवादी तरीके से, जिस मुल्क की आजादी गांधीवादी तरीके से हुई और अब मांगे नहीं मानी जाए, सरकारों पर असर नहीं होता? नहीं, देखिए पहली बात तो यह कि सरकार क्या है, सरकार का पैसा क्या है? क्या बेसिकली किसी मंत्री का पैसा है या बेसिकली कोई एक जो गिने चुने जो लोग चुने हुए हैं उनका पैसा है जी? क्या बेसिकली सरकार का पैसा जनता का पैसा नहीं है? क्या उस व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया जो आज आपके यहां जाकर के भीख मांग कर खड़ा हुआ है कि मैंने पैसे दिए थे, इससे सैलरी मिली थी, आज मुझे इस चीज का इलाज मिल जाना चाहिए? लेकिन उसकी मजबूरी है उस दिन कि वो, क्योंकि वो जो है अपने टैक्सेस दे चुका है, सब कुछ चीज दे चुका है, सब चीजें जो नियम के साथ थी वो सब नियमों के साथ था। लेकिन आज आपने एक चीज बना करके, आपने एक संगठन बना करके, आपके पास एक बड़ी भारी जो है वो होने के बाद आप जो है, क्योंकि वो जो लोग हैं उनके पास पावर दी थी, इसलिए आपने उन चीजों को जो है सरकार से कहा कि ये चीजें लगातार, मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें थी, जो मांगे थी पिछले 3 महीने पहले भी की थी, बहुत सारी मांगों पर जो है विचार हो गए थे, बहुत सारी मांगे खत्म जो है खत्म हो गई थी, लेकिन आपने कहा अब एक एक मांग पूरी होनी चाहिए। आपने इसके बाद आप जब वहां जाते हैं, जब आप लोगों से बातचीत करने जाते हैं, तो आपको डर लगता है कि आपके जो सिग्नेचर होंगे, रात को 11-12 बजे तक आपकी मांगों पर सहमति हो जाती है और उसके बाद अध्यक्ष गायब हो जाते हैं।
ये किस तरीके के संगठन है, ये किस तरीके के संगठन है कि हमारे यहाँ संगठन करेंगे? आप मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं वो बोल रहा हूँ जो मीडिया में लिखा हुआ है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, जो सरकार की भाषा बोल रहे हैं, सरकार की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं मीडिया की भाषा बोल रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सहमति नहीं जताई। अरे भाई मीडिया ने कहा ना, हम भी इनकम टैक्स कटवाते हैं। अरे भाई, अरे भाई, अरे कटवा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ मीडिया में आया कि नहीं आया, ओला साहब पंकज पत्रिका में आया कि नहीं आया, भास्कर में आया कि नहीं आया, आपने गलत कहा क्या? कुछ कुछ नहीं आई क्या? बता दीजिए कटिंग। हम स्वास्थ्य प्रबंधन की मांग कर रहे हैं, आप चलेंगे, हम उसी दिन सरकार से कहते थे। ओला साहब, ओला साहब, आप उसी दिन सरकार से कहते थे ना भाई। 2011 में आपने कहा करी, आपने 2011 की जो स्टोरी थी वो पूरी स्टोरी छपी यहाँ पर, पंकज लोगों ने बताया 2011 में क्या हुआ। चलिए मेरा सवाल ये है, हम थके गए? आप सरकार की भाषा में बात करने, अरे सरकार तो सरकार में तुझे बात करी ही नहीं, सरकार का प्रतिनिधि तो सरकार की भाषा में बात करूंगा, आप मुद्दों की बात करूंगा। आप सक्षम, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सक्षम ही नहीं थे, आपने जनता को मौत के मुंह में झोंक दिया, आपको निर्णय लेना चाहिए था। सक्षम कौन था, मंत्री नहीं था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर आपने क्यों करी आज क्यों करी आपने? आज जब मंत्री सक्षम उस दिन नहीं था, आप क्या सक्षमता गई? नहीं आज आज क्यों, आप फिर जनता को जवाब दीजिए, आप दे रहे हैं जनता को जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं कर जनता को जवाब, मेरा सवाल है 5 तारीख को जनता को जवाब दे दीजिए ना। अब क्या हो गया, पहले भी मीटिंग थी, अभी मीटिंग थी, दिखाइए और स्वास्थ्य प्रबंधन को सुधार। अरे भाई स्वास्थ्य प्रबंधन तो जनता को आपकी कुर्सी होनी चाहिए, लेकिन जो मरी जा रहा है उससे नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? आप कहते हैं मैं खड़ा होकर इलाज करूंगा, लेकिन इससे पहले होगा। डॉक्टर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो बैठने, आप जो बात कर लो, आपके पास कोई, अरे हम कह रहे हैं बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। एक बार कह सवाल कर लूं मैं, पंकज जी मेरा सिर्फ सवाल इतना सा है, आप अपने जो आप कहना चाहते हैं आपको मैं पूरा समय दूंगा, मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में लक्ष्मण सिंह जी कह रहे हैं कि इतने लंबे समय तक हमने गांधीवादी तरीका अपनाया, सरकार के पास हमने सफाई भी की, हमने ओपीडी का टाइम भी बढ़ा करके रखा, एक्स्ट्रा वर्क भी किया, ये सारे गांधीवादी तरीके हैं, क्या सरकार को पहले से इन सब चीजों को देखना चाहिए कि अगर ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर सहमति बन सकती है? तो चर्चा मुझे साफ कहना है कि सरकार ने डायलॉग ही नहीं बढ़ाया। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ 2011 में स्ट्राइक हुई, आपने खुद ने सुना कि 2011 के अंदर जब बहुत सारे जब फैसले हुए तो इन्होंने कहा कि 2011 के अंदर जब जिस तरह की स्ट्राइक होती है, मैं कह रहा हूँ कि उस दिन आपने पूरी चीज एजेंडे रखी क्या? उसके बाद आपने कहा 2013 तक हमें जो है दे दिए, 2013 कब था? 2013 के इलेक्शन था, 2013 के इलेक्शन था। आपका टाइम जो है, मैं कह रहा हूँ आपका जो टाइम है, आपका ये जो टाइम है, ये जो चुनाव से जस्ट पहले क्यों होता है? जब 2013 के पहले आप रखते हैं और 2018 के पहले रखते हैं, तो ये जो चीज है, नहीं नहीं या, नहीं ऐसा क्यों आप लोग जनता के लिए क्यों करते हैं? आपकी सोच भी है ना कि जनता, मैं कह रहा हूँ जिस दिन सरकार आती है उसी दिन मांगे पूरी कहना चाहिए कि भाई ये मांगे और ये जनता के सामने रखी हुई है। आपने आज तक कभी जनता के सामने मांग रखी क्या? ये जो नहीं नहीं आज तक सरकार के सामने मांग सकते रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जनता लगातार सरकार लगातार जो है सरकार जो है अपने विज्ञापन देती रही, लगातार चीजें देती रही कि हम आपकी मांगों को मानने को तैयार हैं, हम आपकी चीजों को मांगने को तैयार हैं, इन पे बात करने को तैयार हैं। अभी भी तो कमेटी बनी थी ना, उस टाइम भी कमेटी बनी थी, आपने कहा कमेटी नहीं, अभी तो मांगे पूरी होनी चाहिए, चाहे कोई मजबूरी हो लेकिन हमारी मांगे पूरी हो, ये होना चाहिए क्या? आपको ये लग रहा है कि गांधीवादी तरीका बेशक नहीं, गांधीवादी तरीका नहीं, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ जो मांगे जो थी वो आपके अनुसार उचित नहीं थी? नहीं नहीं उचित हो या नहीं हो, देखिए उचित और अनुचित की नहीं, वो सरकार तय करती है, वो जो लोग बैठे वो तय करते हैं, ये पार्टियां तय नहीं करती, लेकिन जो चीजें जिस चीज को है, देश में कानून का राज है, देश संविधान से चलता है, संविधान के अलावा यदि कोई सरकार गलत भी करती है तो उसके ऊपर न्यायपालिका है, कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि सब कोई चीजें अच्छी थी या गलत थी, ये मैं नहीं जा रहा मैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो चीज तरीके से जो जिस मुद्दे पर आपने कहा कि ये जो लोगों ने जो है इसका दंश झेला, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं उस बात की बात कर रहा हूं कि क्या बेसिकली इनका दायित्व नहीं था, सरकार का दायित्व भी था, इनका भी दायित्व, ये भी सरकार की पार्टी। चलिए मैं आऊंगा लक्ष्मण सिंह जी आपके पास में, पंकज जी अर्चना जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2011 में भी आपकी पार्टी जब से रूलिंग पार्टी थी उस वक्त भी इसी तरह से एक लंबी हड़ताल चलती है और बाद में समझौता होता है, फिर 2017 में एक बार फिर डॉक्टर हड़ताल पे चले जाते हैं, क्या गांधीवादी तरीके के लिए दावा लगातार सेवारत चिकित्सक कर रहे हैं कि हम पूर्ववर्ती सरकारों चाहे वर्तमान सरकार हो हम गांधीवादी तरीका अपनाते हैं लेकिन सरकारों के समझ में नहीं आती है, क्या ऐसा माना जा सकता है कि कुछ चीजें अगर है इन्हें सॉर्ट आउट पहले से कर लिया जाए तो ये सारी स्थितियां ना बने? देखिए योगेंद्र जी, वैसे तो लोकतांत्रिक संस्था है हमारे यहाँ पूरी तरीके से और पूरा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर अधिकार है हर वर्ग को कि यदि उसकी कुछ मांगे तो उसे वो जो सक्षम सत्ता है उसके सामने रखे और उसके निदान के लिए अपनी मांगों की निदान हो उसके लिए प्रयास करे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ये ठीक बात है कि चिकित्सा सेवाएं जो एक्सीजेंसी सर्विस है और इसमें जब भी इस तरह की कोई बाधा आती तो उसे आम जनता को भुगतना पड़ता है और हमने देखा कि इस दौरान भी मौतें हुई। और आपने जो प्रश्न किया कि हमारे शासन के समय भी ये हड़ताल हुई थी इनसे लंबी चली थी, इसमें भी कोई दोराय नहीं, क्योंकि हम किसी भी चीज में जब भी बात करते हो साफगोई के साथ बात करते हैं। और उस समय हमने 3 मंत्रियों की उपसमिति बनाई थी, उसके आधार पर जो रिकमेंडेशन थे जिसमें कि ओला साहब भी कह रहे हैं कि उसमें से 70% को मान लिया गया था। लेकिन आज मैं एक विचित्र सा माहौल देख रही हूँ आपके चैनल पे कि जब सरकार और सेवारत चिकित्सकों के मध्य एक संवाद हो चुका है और उसका समाधान की ओर वो बढ़ रहे हैं तो फिर उग्र होने की आवश्यकता नहीं। कौन गलत था कौन नहीं था ये आज मुद्दा नहीं होना चाहिए। आज समस्या का निदान कैसे निकले? निदान तो हो गया ना मैडम, निदान तो हो गया। जी आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, जनता ने जिसको भुगता हुआ क्या भुगता जनता ने आपकी? देखो सुनो, उस समय वसुंधरा राजे जी ने क्या कहा 2011 में? ये भी कहा था कि झूठ बोल करके कि लोगों ने जो है कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल करके कांग्रेस की सरकार ने जो है तोड़वा दी, इसी कारण से लोगों ने कहा कि अच्छी बात नहीं होने देंगे। ऐसा सरकारों ने ऐसे काम किए, इस कारण से नहीं हुआ। आपको नहीं आ रहा मैं वहां पर आपके पास मांगू। आपके पास बोलिए, 2011 में आपने कैसे तोड़वाई? आपको पूरा टाइम दिया। आपके पास मंत्री से बोल रहा, आपके मंत्री और हमारे मंत्री आपके मंत्री दूसरे हैं क्या? आपके मंत्री दूसरे हैं क्या? दूसरे मंत्री आएंगे क्या आपके लिए? क्या आपके लिए दूसरे मंत्री आएंगे? हमारे मंत्री 2011 में अरे फजीयत किसकी बात को चला देगी? फिर चुनाव आ जाएंगे। तहजीब से बोले मैं क्यों ऐसा करते हैं आप? हम सुन रहे हैं ना आपके, ये क्या बात कर रहे हैं आपने कहा? ये एक बात पंकज जी, पंकज जी ओला सर एक सेकंड मैडम को बोलने दे पहले। मैं एक बात में आपके पास में आऊंगा, आपके पास में आऊंगा, आपके पास आ रहा हूँ, आपको मैं मौका दूंगा। एक बार अर्चना जी को सुनिए, मैं उसके बाद में आपके पास में आऊँ। तो 1.5 घंटा बात कर चुके हैं, आप में संयम ही नहीं है। चलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हड़ताल को समाप्त करने के लिए 1.5 घंटे तक चैनल पर वार्ता की जो आप नहीं कर सके। हमने कहा संयम बनाए रखो, समाधान निकालो। चलिए अभी तो मुद्दे पाइए, आप अर्चना जी मुद्दे पाइए, पंकज जी मांगो आपके पास में, आप मुद्दे पाइए। हाँ तारीफ क्या दुनिया में? आप क्या कह रहे हैं तारीफ को दुनिया में? चले चले पंकज जी, पंकज जी, पंकज जी, 2011 में श्रीमती राजे जो विपक्ष की नेता थी उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी सत्ता में बैठे लोगों की कि समाधान निकले। तो आज भी हम यही कहते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है। उस दिन भी मैंने यही कहा कि न्यायालय में यदि कोई चीज जाती है इसका सीधा मतलब है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकल रहा और सरकार की कोई ऐसी एक्सपीडियंसी है जिसके कारण वो इस चीज को विलंबित रखना चाहती है। अब आप मुझे बताइए, घनश्याम तिवारी आज तो इन्हीं के पार्ट है, बहुत वरिष्ठ विधायक है। इसके अलावा खुद चिकित्सा मंत्री जो टेबल टॉक्स कर रहे थे वो बार बार कह रहे थे कि सरकार के भीतर ही कोई ऐसी शक्ति है जो हमें इस गतिरोध को समाप्त करने में बाधित कर रही है। तो आप मुझे बताइए फिर इसमें कांग्रेस या आम जनता का दोष कहाँ होगा? अब मान लीजिए सेवारत चिकित्सक है, उनकी डिमांड है तो सहानुभूतिपूर्वक सुननी चाहिए। ये लोग कोई एक दिन में तो नहीं चलेगा ना हड़ताल पे। इन्होंने अपने एप्लीकेशन दिए, मेमोरेंडम दिए, इन्होंने जो गांधीवादी तरीका जो ये बता रहे 3 महीने से ये लोग अपनी बात को कह रहे थे, आप सुनना ही नहीं चाहते। मुझे बताइए सेवारत चिकित्सक के अलावा और कितने वर्ग हैं राजस्थान में जिन्होंने संघर्ष किया हो, जिन्होंने अपनी आवाज उठाई, उनको न्याय मिला हो। इस चीज का समाधान होना चाहिए यहाँ पर और खुलासा भी होना चाहिए। शिक्षक वर्ग हो, बेरोजगार हो, संविदा कर्मी हो, सेवारत चिकित्सक है ही। आज ही SMS के ट्रॉली मैन और जो वार्ड बॉयज है उसका बड़ा स्कैम सामने आया, किसी चीज का स्पष्टीकरण नहीं है। चिकित्सा मंत्री के पास किसी चीज के जवाब नहीं। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आप ये गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लगवाते हो, खाली लिफाफा देगा कहते हैं। मुझे तो सेवारत चिकित्सक खाली लिफाफों में देगा अपना इस्तीफा। ये चीजें कभी भी नहीं होनी चाहिए। सरकार में बैठे नुमाइंदों के ऊपर एक गंभीरता होती है, एक कहना चाहिए कि एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जिसमें कि उनकी परिपक्वता सामने आए। हमने तब कहा जब स्थितियां बिगड़ी तो हम विपक्ष में, हम चाहते तो इसका पॉलिटिकल यूज भी करते, लेकिन हम बार बार अपील कर रहे थे सेवारत चिकित्सक संघ से कि आप इस हड़ताल को समाप्त कीजिए क्योंकि इसके माध्यम से जनता को बहुत भुगतना पड़ रहा है। एक्सीजेंसी तो पहले ही थी, मेडिकल इमरजेंसी थी, डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारियां महामारी के रूप में फैल रही थी, लेकिन समस्या ये थी कि समाधान निकालने की जगह जिन नौकरशाह को इन्वॉल्व किया था उनकी भाषा कमोबेश पंकज जी जैसी थी। वो भी बीच बीच में उत्तेजित होते थे, अपनी भाषा के संयम को खोते थे और इनके साथ इस तरह की वार्ता करते थे जिससे समाधान न निकल पाए। तो हमने यही अपील की, मान लीजिए आपके चिकित्सा मंत्री अक्षम है, आपके नौकरशाह जिनको संवाद के लगाए वो अक्षम है, तो आप इस लाइन को बदल दीजिए भाई, किसी और वरिष्ठ मंत्री को ले आइए, मुख्यमंत्री खुद हस्तक्षेप करे। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है यदि किसी के पास कोई मांगे, अब एक इनके प्रतिनिधि ने कह दिया साहब 36 मांगे भी कोई रखता है क्या? मांगे तो 100 भी रखेगा कोई, इसमें क्या आपत्ति है किसी को? यदि किसी की डिमांड है तो 100, 150, 200 भी रखेगा। आप जो पूरा कर सकते हो सहिष्णुता पूर्ण वातावरण में उसके बारे में जवाब दीजिए। हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। आपको मैं छोटा सा उदाहरण देती हूँ। नर्सिंग स्टाफ SMS मेडिकल कॉलेज में
बहुत दिनों तक सिर्फ इसलिए अपनी मांग के लिए बैठा रहा जिसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं था, उन्हें सिर्फ अपने पदनाम को चेंज कराना था। उसके लिए फाइल चलती रही और उन्हें उसको टालते रहे, अमरण अनशन चलता रहा। अल्टीमेटली जब अति हो गई और पूरे राजस्थान का नर्सिंग स्टाफ उद्वेलित हुआ, तब जाकर के छोटा सा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ और पदनाम परिवर्तन। मैं आप सब जानना चाह रहा हूं कि देखिए चीजों का समाधान जो निकल सकता है उसको निकालने की जगह आप उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हो। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं एक लाइन में, क्या सरकारों पर गांधीवादी तरीके का असर नहीं होता है? आप लोगों के वक्त भी 6 से 7 महीने तक बार बार रिमाइंडर्स दिए जा रहे थे, तो उस वक्त भी हालात यही हुए कि एक स्ट्राइक पे चले गए और स्थितियां बिगड़ना शुरू हो गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में जब गांधीवादी तरीके से मेमोरेंडम देते हैं, वास्तव में जेन्यून अगर इनकी डिमांड्स हैं तो उन पर पहले से ही गौर नहीं करना चाहिए, या फिर डॉक्टर से यही मान के चलते हैं, या डॉक्टर या किसी, जैसे आपने भी कहा कि किसी भी तबके को आप लीजिए, जब तक वो उग्र नहीं होते हैं या फिर हम बिल्कुल ऐसे नहीं कर देते हैं कि बिल्कुल ठप हो चुकी है व्यवस्था, उसके बाद ही सरकारों की आंखें खुलती हैं। देखिए योगेंद्र जी, इसमें प्रक्रिया इस प्रकार होती है कि जब भी कोई वर्ग, विशेषकर जो सरकारी सेवा का वर्ग है, वो कभी भी अपनी डिमांड्स रखता है तो एक प्रोसेस के थ्रू जाती है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो पहले उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद वो पॉलिटिकल डिसीजन तक जाती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर यदि लोग संवाद के स्तर पर अच्छी भूमिका नहीं निभा पाते तो कई बार बात बिगड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। शासन में हम कमोबेश सबसे ज्यादा रहे, हमने भी देखा है कि संगठन उद्वेलित होते हैं, आंदोलन करते हैं, तो कई बार जब स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ती है तो उस अवस्था में जब आपके पास पूर्व के उदाहरण हो तो आप उससे सीखिए ना, उसमें आप तुलना मत करिए। मान लीजिए इनके पास ये उदाहरण था कि 2011 में हमारे समय ऐसी स्ट्राइक हुई थी, इनसे ज्यादा चली, 12 दिन चली, लेकिन अगर उससे सीख लेते कि हमने किस प्रकार से कमेटी का गठन किया, संवाद की प्रक्रिया को सुचारू किया, इनकी डिमांड्स को माना, 70% मानी, 30% बची थी, तो उस 30% पर ही गौर कर लेते। और मान लीजिए नहीं मानने योग्य है तो ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाना चाहिए था जो संवाद करने में सक्षम हो। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में, श्याम जी मैं आपके पास में आना चाह रहा हूं। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि हड़ताल से हड़ताल पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के वक्त भी हुई और एक बार फिर वर्तमान सरकार को भी इसका सामना करना पड़ा, क्या लगता है आपको कि अभी भी जो चर्चा हुई है 8.5 घंटे की लगातार बैठकें, उससे पहले 7 दिन में 5 बार की वार्ता सरकार के साथ में, सेवा चिकित्सकों के साथ में हो चुकी है, ये मान सकते हैं कि वर्तमान सरकार को अब दोबारा इस तरह की स्ट्राइक का सामना नहीं करना पड़ेगा, या फिर ये आखिरी स्ट्राइक है, भविष्य में इस तरह की स्ट्राइक नहीं होगी? क्योंकि भगवान का रूप डॉक्टर्स को कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ओला साहब कह रहे थे कि आप हमें भगवान मत बताइए, हम तो चिकित्सक ही रहने दीजिए। तो क्या माना जाए, इस स्ट्राइक्स ने क्या खोया प्रदेश ने, कुछ डॉक्टर्स को मिला इसमें कि बिल्कुल जो मांगे मान करके चल रहे थे सारी मांगे मानी ली जाएंगी, या फिर सरकारों की आंखें नहीं खुलती हैं जब तक सड़क पे नहीं आते? देखिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार की हड़ताल पहले भी हुई और उसके बाद हाईकोर्ट ने जिस प्रकार का रुख अपनाया, क्योंकि अवमानने की नोटिस जारी हुए, अवमानना लगी हुई है, 2 IPL लगी हुई है, 15 तारीख तक 16 को सुनवाई होनी है, राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी इनको नोटिस दे रखा है सरकार को, उसके अलावा लोकायुक्त ने भी नोटिस दिया। तो ये सारे हालात जब पैदा हो जाते हैं, आप देखिएगा कि जब कोर्ट ने जो आपको अवैधानिक अगर हड़ताल कर दी तो सरकार सक्षम थी कार्रवाई करने के लिए, पहले दिन से कार्रवाई करती तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। 30 लोगों की जान चली गई, उन परिवार को कौन देगा? अब उनके परिवार का तो चला गया, किस लिए चला गया? जान चली गई उनकी। जब ये नौकरी में आते हैं डॉक्टर्स तो वो एक संकल्प भरते हैं, उसका अनुपालन नहीं करते। आप हड़ताल कर रहे थे लेकिन जिस तरह की घटना, 2800 चिकित्सालय जो छोटे पीएससी यूएसआरडी है वो पूरी तरह से ठप थे। चले मैं एक बात जानना चाहता हूँ श्याम जी, चले चिकित्सकों को स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए था, बाउंड साइन किया होता है, एक अलग नजरिया होता है कि भगवान के रूप में चिकित्सक को देखते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ सवाल यह है कि वास्तव में अगर चिकित्सकों की मांग जेन्यून, अगर उनकी डिमांड्स थी, तो क्या सरकार का भी कोई ड्यूटी बनती है कि समय से उनको सॉर्ट आउट किया जाए? देखिएगा कि आज भी जो मांगे थी मेन रूप से वो तो मानी नहीं गई, मुख्यमंत्री के ऊपर छोड़ दी गई। तो आज की स्थिति ये थी कि जब आपके स्वास्थ्य मंत्री के प्रति अगर डॉक्टर्स में विश्वास नहीं हो तो ये संकट सब पैदा होता है। पहले दिन उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य मंत्री के प्रति हमारा विश्वास नहीं है, हम मुख्यमंत्री से वार्ता करना चाहते हैं, तो ये सब चीजें, फिर भी उसके बाद वार्ता, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर वार्ता करती नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कर लीजिए जी 3 बार। लेकिन चार बार, एक बात मुझे ये बताइए कि अविश्वास की बात अगर चिकित्सा मंत्री, कल को कोई कहेगा कि शिक्षा मंत्री से नहीं है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से नहीं है, तो जिम्मेदारी एक विभाग की दे रखी ना, तो ऐसा क्या किया कालीचंद सर आपने जिसकी वजह से सेवा चिकित्सकों के बीच और उनके बीच अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई? क्या अब दूसरे किसी मंत्री ने कर दिया ये सारा काम? देखिएगा जिस प्रकार का वार्तालाप चिकित्सा मंत्री द्वारा किया जा रहा था, आपको गंभीरता रखनी पड़ेगी। जिस तरह से आप जिस प्रकार की बातें कर रहे थे कि ये तो मेरे को खाली कागज लिफाफे में दे गए,
या मेरे मंत्रालय में किसी का हस्तक्षेप चल रहा है, तो ये सारी बातें सार्वजनिक रूप से करना मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर का, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। आपको गंभीरता, आपको गंभीरता रखनी चाहिए, डॉक्टर से बातचीत सीधे तौर पर करनी चाहिए थी। यदि कार्रवाई भी करे तो कार्रवाई करो, रेशमा लगा दिया आपने, उसके बाद किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आपको जब कोर्ट कह रहा है कि जब वैधानिक हड़ताल है तो आप कार्रवाई करने की हिम्मत जुटाते ना, आप करते। आप यदि इनके पास जायज मांगे उनकी पूर्ति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक साथ मांगों की पूर्ति नहीं कर सकते तो आप इनको कारण बताइए। आप तरीके से बताते कि हम चले, श्याम जी मैं लौटूंगा आपके पास में, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या वास्तव में स्ट्राइक के जो वैधानिक कारण है वो क्या है, और मिस्टर ओला है उनसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उन डिमांड्स के कोई टाइम पीरियड है, तब तक वेट करेंगे और उसके बाद रास्ता क्या होगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में हुई सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल और उसके बाद क्या स्थितियां बनी, उस दरमियान 30 लोगों की मौत हुई है। सवाल यह है कि उनका जिम्मेदार कौन है, क्या सेवारत चिकित्सकों और सरकार के बीच जिन मांगों को लेकर के सहमति बनी है, क्या ये मान सकते हैं कि भविष्य के लिए अब पूरी तरह से संतुष्ट हैं सेवारत चिकित्सक और भविष्य में हड़ताल का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2011 में इसी तरह से प्रदेश को एक हड़ताल का सामना करना पड़ा और जिसमें पूरी मांगे नहीं मानी गई, उन्हें लिंगर ऑन किया गया, जिसका रिफ्लेक्शन अब दिखाई दिया। और अभी भी क्या ये कह सकते हैं कि एक समय सीमा रहेगी कि कितने लंबे समय तक इसका वेट करना पड़ेगा। चलिए मेरा छोटा सा सवाल श्याम जी आपसे है कि क्या वास्तव में गांधीवादी तरीके से सरकारें नहीं समझ रही हैं, या फिर जो जिन्हें हम गांधीवादी तरीके से मान के चलते हैं कि हमारी मांगे मनवाने के लिए हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं, लेकिन वो मांगे कहीं ना कहीं ऐसी हैं कि मानना बहुत मुश्किल काम है, तो उसमें गांधीवादी तरीका हो चाहे आपका उग्र तरीका हो, अब जब मांगे मानी ही नहीं जा सकती हैं तो संभव नहीं है उन्हें कि आप किसी भी तरह से आप उन्हें मनवाने की कोशिश करें। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि गांधीवादी तरीके से कोई भी प्रजातंत्र में सरकार मानते नहीं है, शुरू से अब तक देखने में आया है कि आप आंदोलन करेंगे जब कामकाज पूरी तरह से ठप कर देंगे, जब लगेगा कि आपका कामकाज इनके बिना चल नहीं पा रहा जी, तो आप वार्ता की बात करते हैं। फिर उनके बाद यानी कि एक तरह से आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारें खुद जो डिमांड करने वाले लोग हैं उनको एक तरह से ये कहें कि मजबूर करती है कि आप पे रास्ता तो वही अपनाइए, ये तो सब चलती रहती है, शायद गाड़ी में से कोई निकलते वक्त भी नहीं देखता होगा कि काली पट्टी बांध करके डॉक्टर क्यों स्ट्रेचर सर्किल पर बैठे हैं या ज्योति नगर मोड़ पे बैठे हैं, देखा नहीं जाता है। लेकिन जिस दिन उग्र होते हैं तो उसी दिन से पैरामीटर शुरू होता है कि अब इनकी जो डिमांड्स हैं उन पे हमें चर्चा करनी चाहिए। देखिएगा ये डॉक्टर्स पहले रेजिडेंट डॉक्टर नहीं आए तो इनका कामकाज चलता रहा, तो जब रेजिडेंट डॉक्टर आने के बाद पूरी तरह चिकित्सा विभाग लड़खड़ा गया तो फिर आप बातचीत की बात करते हैं, फिर तो पूरी तरह जुट जाते हैं, जब कोर्ट आ जाता है सारी बातें आती है। लेकिन ये बात सही है कि जो जिनाई मामले हैं उस पर गंभीरता से बात करनी चाहिए सरकार को, ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए जी। कि बार बार आप ये तीन बार काफी टाइम से ये करते आ रहे थे, कुछ मांगे तो आज भी नहीं मांगी गई और नहीं मानी जाएगी, तो आप बताइए अगर मुख्यमंत्री पर उन्होंने छोड़ दिया भरोसा तो मुख्यमंत्री कहेगी हम दो समय अस्पताल खोलेंगे, आपको आना पड़ेगा, हम पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो आप ये सारी चीजें आप जो मन चाहे, आप चाहते हैं कि आपकी ACR कौन लिखे, डॉक्टर लिखे, क्योंकि आपके खिलाफ कोई अगर CO लिखता है तो आपकी दिक्कत इसलिए आएगी कोई चीजें डॉक्टर्स को तो आप फेवर में कर लोगे CO, बहुत सारी चीजें तो इनकी ऐसी मांगे मान ली गई है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जरूरी थी। इनमें भय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो सब कुछ करेंगे, पैसा भी खूब लेंगे और बाकी चीज भी सब करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। सेवाभावी डॉक्टर्स हैं इसमें, ये बात नहीं कि सारे अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, अच्छे डॉक्टर्स भी इसमें है, लेकिन जो गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ये सिस्टम भगवान में भी कैटेगरी कर रहे हैं अच्छे और बुरे भगवान, बिल्कुल है निश्चित, ये खुद भी स्वीकार करेंगे अच्छे डॉक्टर्स नहीं, सिर्फ सेवाभावी भी डॉक्टर है जो कि खुद के पैसे लगा करके भी कामकाज आज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि सारे डॉक्टर्स एक से हैं, कुछ इनके भी डॉक्टर्स गलत लोग हैं, आप समझौता नहीं होने देने वाले भी कुछ डॉक्टर थे कि हाँ भी कर लीजिए एक आध बार। आपकी बात से सहमत, बहुत सारे चिकित्सक ऐसे हैं कि आपने पढ़ा भी होगा एक पेपर में साफ लिखा हुआ था कि एक चिकित्सक उन्होंने एक ऐसा गांव चुना जो बिल्कुल अभावग्रस्त है, जहां किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है,
लेकिन उन्होंने चिकित्सा सेवा के लिए उस गांव को चुना। उन्होंने बताया कि वो किससे मोटिवेट हुए इस सेवा के लिए। खैर चलिए, ओला साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि जो मांगे आप लोगों की मांगी मानी गई हैं, 33 में से 28 मांगे आपकी मान ली गई हैं, 5 जो मांगे हैं उन पे कमेटी बनेगी, 2 लोग आपके भी रहेंगे, ये मान सकते हैं कि अब रास्ते हड़ताल के एक तरह से बंद हो चुके हैं और आप लोग बिल्कुल सौहार्दपूर्ण माहौल में काम पे लौटे हैं, अभी फिलहाल कोई किसी तरह की डिमांड नहीं है, ये एक टाइम पीरियड रहेगा आपका कि इन सब चीजों के लिए हम वेट करेंगे जिन पे सरकार ने आश्वासन दिया है? देखो योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं जैसा कि श्याम जी ने बताया कि माननीय न्यायालय जो है वो निर्देश देते हैं, माननीय न्यायालयों में अपील भी जारी पेश की गई है, न्यायालय ने भी जो है ये माना है कि डॉक्टर यदि आंदोलन पे जा रहा था, गांधीवादी तरीके से कर रहा था, तो सरकार को वो मान लेना चाहिए था, और न्यायालय ने ये निर्देश भी दिया है कि सरकार जो है वाजिब मांगे माने और हड़ताल को खत्म करे। दूसरा, मैं स्वास्थ्य प्रबंधन की बात करता हूं, ये हमारी 33 मांगे नहीं है, ये स्वास्थ्य प्रबंधन की मांगे हैं, जिसमें जैसे हमारा झोलाछाप चिकित्सक है वो प्रत्येक गांव डाणी में फैला हुआ है, हमने ये मांग की कि झोलाछाप चिकित्सक जो स्टेरॉइड खिला खिला करके जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार जैसे एक पीसीपी एनडीटी सेल चला करके और कार्रवाई करती है, वैसे ही एक सेल जो है स्टेट लेवल पे हो और वो सेल जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सके। दूसरा, जैसे न्यायालय की फिर बात आती है, माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि गांव में विशेषज्ञ सेवाओं को आकर्षित करने के लिए गांव में जो नौकरी करने वाला चिकित्सक है उसको 10-20-30 का फायदा दिया जाए, जिससे क्या है कि गांव में विशेषज्ञ सेवाएं मिले। हमारी सरकारें लोक कल्याणकारी होती हैं, लोक कल्याणकारी सरकार ने जो है उसके खिलाफ डिब्बी में अपील की, डिब्बी में हमारे चिकित्सक जीते, फिर उसको सरकार ने फिर अपील की, सुप्रीम कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाई और सुप्रीम कोर्ट में हमारे चिकित्सक फिर जीते। इससे क्या है कि मनसा जो है ना कुछ अच्छी नहीं लगती, और उससे क्या है कि चिकित्सक जो है उद्वेलित हो रहा है, हर वर्ग चिकित्सक के लिए कहता है कि ये डॉक्टर की गलती है, भगवान है ये धरती का भगवान है। मैं योगेंद्र जी आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि मैं एक दिन में 100 मरीज देखने वाला डॉक्टर हूं और मैं 24 घंटे में 2 घंटे लगातार नहीं सो सकता, और मैंने पहले भी हमारे जो ये हुक्मरान है और हमारे जो बड़े लोग जो प्रशासन शासन करते हैं उनको कहा है कि आप मेरे क्वार्टर के सामने एक सप्ताह सो करके बता दीजिए, मेरे को जितनी बार मेरा मरीज जगाता है उतनी बार तो तुम्हें जागना पड़ेगा, और आपको नींद आती है तो सोइए नहीं, आप 7 दिन तक बैठे रहिए, या जो भी मैं उठूं तो आपको उठना पड़ेगा, बता दें करके, कब्जी होकर के नहीं मर जाए तो मैं दवा करता हूं। इतने प्रेशर में जो है हमारा चिकित्सक काम कर रहा है, माननीय न्यायालयों के फैसले पे फैसले आ रहे हैं कि चिकित्सक पे इस तरह का प्रेशर आप क्रिएट नहीं करें, चिकित्सक ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, चिकित्सक का हाथ कांपेगा, चिकित्सक जो है प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख पाएगा, और चिकित्सक जो है संवेदनशील है योगेंद्र जी बहुत ज्यादा, और इन 7 दिन में क्या है कि रेशमा लगा करके हमारे चिकित्सकों को राजस्थान से बाहर कर दिया गया, भाग गए चिकित्सक रेशमा के डर से। स्वास्थ्य प्रबंधन की बात मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि हमारे RMRS होती है, RMSR का हमारी PSC का अध्यक्ष बना दिया गया, BDO को, हमारे 100 प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारे BDO साहिबान जो है या तो मास्टर जी हैं कोई या कोई सिंचाई विभाग के जयंत साहब हैं, उनको पता ही नहीं है हमारे विभाग में क्या योजनाएं हैं, इनको कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, MRS का पैसा कहां खर्च करना है। पहले हमारा विभाग का अधिकारी होता था जो सारी चीजें समझता था और समय पे वो मीटिंग होती थी, मरीज को फायदा मिलता था, ये हमारी मांग नहीं थी, ये कोई फाइनेंस की मांग नहीं थी, ये स्वास्थ्य प्रबंधन की मांग है। हमारी CHC लेवल जो है उस पे जो है उसका हमारे ऊपर SDM बैठा दिया गया, SDM साहब जो है 6-6 महीने तक, आज ये स्थिति है पूरे प्रदेश में कि SDM साहिबान जो है वो हमारी MRS की मीटिंग नहीं करवा पा रहे हैं, और हम जो है कोई वित्त विभाग के लोग नहीं है, हम फाइनेंस के बारे में हमारा डॉक्टर कुछ नहीं जानता है, हमारे पास LDC नहीं है, हमारे पास अकाउंटेंट नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है। हमारा एक डॉक्टर जहां 16 पोस्ट हैं वहां पे एक डॉक्टर जो है उस CSC को चला रहा है जहां पे 600 मरीज आ रहे हैं, मतलब किस कैसे दबाव में हमारे से ये काम करवाना चाहते हैं। हम स्वास्थ्य प्रबंधन के क्षेत्र में इनसे ये चाहते हैं कि संसाधन डेवलप किए जाए,
हमारे को वहाँ आवास दिया जाए, उस आवास में हमारा स्टाफ रुके, उस स्टाफ में रुक करके सेवाएं देने के लिए ज्यादा समय उपलब्ध हो। मैं एक देखिए सहमति तो आप लोगों की बनी है, 8.5 घंटे तक चर्चा भी चली है, कई बार ये भी बात निकल करके आएगी, जब बात यहाँ हो रही तो सचिवालय को छावनी में तब्दील क्यों किया जा रहा है, अधिकारियों को बुला लिया गया, फोर्स को तैनात कर दिया गया, उस वक्त भी एक डर चिकित्सकों के मन और दिल में ये था कि कहीं गिरफ्तारी हो सकती है, जैसे ही ये मामला अगर निपटारा नहीं होता है तो, क्योंकि रेशमा लगा हुआ था और जब तक समझौता नहीं हो रहा था तब तक वो स्टैंड कर रहा था। मैं ये जानना चाहता हूं कि अंदर की बात आप लोगों की सहमति हो गई, आम जनता भी जानना चाहती है कि 30 लोग वो परिवार, एक देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, खौफ बहुत लोगों में पैदा होता है कि मैं चिकित्सक की हड़ताल है, चिकित्सकों की मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरी क्या स्थिति होगी, क्योंकि पेशेंट जो होता है उसको किसी को मजा नहीं आता अस्पताल में आने में, जो तकलीफ में होता है उसी को आना पड़ता है। तो ये मान सकते हैं कि अभी मैक्सिमम डिमांड्स जो हैं आप लोगों की मान ली गई हैं, अब हड़ताल का कोई रास्ता नहीं लेंगे आप लोग? जी हमारा, हमने हड़ताल का फैसला पहले भी ऐसे नहीं लिया, हम आपको अवगत करा रहे हैं कि हम 2014 से लगातार जो है मांग पे मांग रखते जा रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अभी जो चर्चा कतई हड़ताल पे जाने के लिए तैयार नहीं है। रिजल्ट जिस योगेंद्र जी, ये हमने आपको पहले अवगत कराया था जब पहले मीडिया के साथ हम रूबरू हुए थे कि जो मौतें होंगी, जो सांख्यिकी विभाग के डाटा है, 1-2% जो डेथ होंगी वो भी डॉक्टर के माथे मंडी जाएंगी, हमें ये पता है। नेचुरल डेथ जो है वो भी हमारे माथे मंडी गई और वो भी इसमें काउंट कर दी गई कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से इतनी जानी गई, और वो हर बार होता भी है और ये स्वाभाविक भी है। हम ये कतई नहीं चाहते कि आगे ऐसा कोई हड़ताल जैसी स्थिति आए। हमने एक हमारे राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कैडर के गठन की बात की, जिसमें एक जो है पिरामिड बनता है, जिस तरह का ये IAS और RAS है। योगेंद्र जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चिकित्सक जिसकी 24 घंटे की सेवाएं, वो 8,700 ग्रेड पे की बात करता है और वो 10,000 ग्रेड पे की बात करता है, तो एक लेखा सेवा के अधिकारी को दे दिया जाता है और एक आरएस को दे दिया जाता है। एक चिकित्सक जो 24 घंटे सेवाएं दे रहा है उसको देने में कहां दिक्कत आ रही है? वो ही नहीं मान रहे, मांग रहे हैं सिर्फ हम ये भी मांग रहे हैं कि हमारे जो जितने भी अस्पताल PHC आप रोज देखते हैं हिंसा की घटनाएं, जनता को भड़काया जाता है। हमारे कुछ लोग जिनको मैं कोई शब्द मेरे को नहीं मिल रहे, मैं उपयोग में भी नहीं लेना चाहूंगा, वो अपने पब्लिक में खड़े होकर के और धमकियां दे करके कि इस डॉक्टर को बाड़ में टांग देंगे, इस डॉक्टर को जैसलमेर टांग देंगे, और कार्यकर्ता उनके तालियां बजाते हैं और मिठाइयां खाते हैं। कितनी अफसोसजनक बात है, कैसा शासन है। न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमेशा ये निर्णय पे निर्णय देते आ रहे हैं कि डॉक्टर को दबाव में मत रखो, और सत्यता भी है। नहीं, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये माना जा सकता है कि मैक्सिमम डिमांड्स आप लोगों की मान ली गई हैं, और अब ऐसी कोई मेजर बात नहीं है कि अगर सरकार अभी अगर इन पे गौर भी नहीं करेगी तो हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, या वो मेजर डिमांड्स ही हैं जैसे श्याम जी कह रहे हैं कि मुख्य मांग तो वही हैं जिन पर सरकार की सहमति इनके साथ नहीं बनी है, एक टाइम पीरियड मांगा गया है। बिल्कुल श्याम जी की बात से हम सहमत हैं, और हम वो बात इसलिए मानने पे तैयार हो गए कि हमारे में बड़ी संवेदनशीलता है, हम बड़े सेंसिटिव हैं, हमने हमारे मीडिया के साथियों का दबाव महसूस किया, हमने हमारी जनता और हमारे पीड़ित मानवता जिसके लिए परेशान थी वो हमने महसूस किया। योगेंद्र जी मैं आपको कहता हूं कि जो एकल पारी की हमारी मांग थी जी, उसमें आम जन को इतना बड़ा फायदा होने जा रहा था वो मैं आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूं। अभी जो है अपने प्रदेश के जितने भी केंद्र के हॉस्पिटल हैं, रेलवे के हॉस्पिटल हैं, पोस्ट ऑफिस के हॉस्पिटल हैं, CGHS के हॉस्पिटल हैं, ESI के कॉरपोरेट हॉस्पिटल हैं, ESI के हॉस्पिटल हैं, सब में एकल पारी है। हमारे जो 8 मेडिकल कॉलेज जो पहले से चले आ रहे हैं सब में एकल पारी है। 8 मेडिकल कॉलेज अब और खोल दिए गए हैं, लेकिन धरातल पे मेडिकल कॉलेज वो नहीं है, जैसे हमारा सीकर का हॉस्पिटल है। हमारा हॉस्पिटल का पहले टाइम होता था 9 बजे से 1 बजे तक, और 1 बजे जो है हमारे जो मरीज जांच करवाने आ रहे हैं उनकी 12 बजे सैंपलिंग बंद हो जाती थी, 1 बजे बाद उनको रिपोर्ट मिलती थी। हमारे जो ऑपरेशन थिएटर की लिस्ट होती थी वो 1 बजे तक जितने आ जाते थे होती थी। एकल पारी करने के बाद में ऑपरेशन की संख्या बढ़ गई, जांचों की संख्या बढ़ गई, मरीजों की OPD बढ़ गई, फायदा हुआ है आमजन को, फायदा हुआ, लेकिन ऐसी मांग भी नहीं मानी गई। और ये कह करके हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही मानेंगी, तो हमने सहृदयता से, हमने संवेदनशीलता दिखाते हुए ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर छोड़ दिया।
अब ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को फैसला करना है। अब ये बात हमारी गलत हो, तर्कसंगत नहीं हो, हमने ये भी मांगा कि आप एक महीने का ट्रायल बेसिस कर दीजिए। हम एसोसिएशन की ओर से लिख के देने को तैयार है, मरीज को फायदा नहीं हो, ऑपरेशन की संख्या नहीं बढ़ जाए, जांच की संख्या नहीं बढ़ जाए, ओपीडी नहीं बढ़ जाए तो वापस कर लेना। लेकिन फिर भी जो है हमने संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ित मानवता के लिए जी समझौता किया। तो आप लोग को कुछ एक टाइम पीरियड है जब तक इंतजार करेंगे कि सरकार का रुख क्या रहता है? हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हम आंदोलन करें, कतई हमारी मंशा नहीं है, और हम ये चाहेंगे कि सरकार पे हमारी अपेक्षा भी है और हम ये सोच भी रखते हैं कि सरकार जो है सकारात्मक सोच रखते हुए इनको जो है समयबद्ध जो एक प्रोसीजर होता है उसमें लागू करे, और जो हमारी एक मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पाले में डाली है उससे मरीजों को फायदा होगा उस पर विचार करें। जी पंकज जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं कि मांगे कुछ ऐसी हैं कि जिन्हें मान लिया गया, और पांच जो डिमांड्स हैं कुछ मुख्यमंत्री के लिए कहा गया है, एक डिमांड है जिसे कैबिनेट में रखने की बात है, और तीन में कमेटी बना दी गई है, कमेटी में दो लोग सेवा चिकित्सक संघ से भी होंगे। ये डिमांड्स को लेकर के क्या मान सकते हैं कि सरकार अभी भी किसी आंदोलन का इंचार्ज करेगी कि वास्तव में सहानुभूतिपूर्वक पहले से विचार करेगी और अवगत कराएगी? जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम तर्क के साथ में बात करने को तैयार हैं कि एकल पारी में हॉस्पिटल्स को क्यों किया जाना चाहिए, सरकार कुछ तर्क देगी कि हम इस वजह से इसे खारिज करते हैं? देखिए योगेंद्र जी, मैं दो चीज पे आपको कहना चाह रहा हूँ। सबसे आपने कहा एकल पारी होनी चाहिए कि दो पारी में होना चाहिए, बेसिकली ये जो चीजें हैं ये जनता के जो प्रतिनिधि हैं, जनता की जो सोच है, जनता की जो मांग है उस पर निर्भर करती है कि कैसी चीजें होनी चाहिए। आपने कहा कि ठीक है एकल पारी में भी हो सकता है, इसमें कहीं वो नहीं है, क्योंकि ना तो वो किसी को फायदा दे रहे हैं, ना कोई फाइनेंशियल बर्डन है, ना ये है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जनता को इसका फायदा होना चाहिए, जो जनता उसमें फायदा लेना चाहती है उसको फायदा होना चाहिए। अब दो पारी में होता है, दो पारी में ज्यादा फायदा मिलता है, यदि कोई शाम को सुबह नहीं आ पाता शाम को आता है, या सुबह ही सारी चीजें हो सकती हैं, तो ये बेसिकली देखिए एक आपसी मिला करके मैत्र बना करके ये चीज एक की जा सकती है। इसके अंदर कहीं भी कोई चीज नहीं है कि ना कोई सरकार को ऐसा ही करना चाहिए या इनको ही ऐसा करना चाहिए, ये बेसिकली आपसी बैठ करके और बात करके जो भी जनप्रतिनिधि है जो भी, क्योंकि इन चीजों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज होती है कि ये जो छोटी छोटी समस्याएं होती है इनकी चर्चा बेसिकली यहां पर कमेटियां न करके बड़ी चर्चाएं जो है वो विधानसभा वगैरह में यहां पर होती है, यहां पर जो चीज निकल के आती है उनके हिसाब से लोगों की डिमांड हो सकती है कि ये चीजें होनी चाहिए और उसके पालना करना चाहिए, क्या गलत है इसके अंदर ये चीजें। दूसरी बात जो है इन्होंने कहा कि जो स्वास्थ्य सुधार की बातें हैं, देखिए स्वास्थ्य सुधार होना चाहिए कहीं वो नहीं है, लेकिन आज तक जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जिस तरीके की चीजें, नहीं कह रहा बिल्कुल ठीक है इन्होंने कि कई बार डॉक्टरों की पोजीशन ऐसी होती है कि जब आप खुद जाएंगे तो उनके पास करीबन 100-100 मरीज जो है उनके सामने जो है खड़ा होता है, ऐसी बात ये नहीं कि सब बिल्कुल ही हमेशा रहते हैं, लेकिन देखिए डॉक्टर के पास में ये आज पहली बार नहीं है, ये लगातार ऐसी चीजें रही हैं। अब ठीक है मरीज बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है कि हम लगातार सरकार जो बात कर रही है, इन चीजों की बात करिए, खुद जो है केंद्र सरकार भी बात करिए, ये बात करिए कि डॉक्टर्स की जो बेसिकली संख्या है लगातार जो बेसिकली कम हो रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कम है, उसके भी सरकार ने इनको कहा कि भाई आप जो है अपने जो चीजें हैं उन हिसाब से कम वो जो टाइमिंग्स हैं उनके जो बेसिकली है वो तो पूरी होनी चाहिए। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जैसा अभी श्याम जी ने कहा कि बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन एक जो सरकार की छोड़िया पब्लिक में जो फीलिंग बनती है वो कुछ ऐसी चीजें बनती है जो फीलिंग्स गलत बनती है, और उसके कारण जो है पूरा का पूरा ये होता है, क्योंकि डॉक्टर एक कोड ऑफ कंडक्ट तय है। एक बात जानना चाहता हूं पंकज जी, आपने कहा कि कुछ लोगों की वजह से, देखिए डिमांड सभी डॉक्टर्स की है, 10,000 सेवा चिकित्सक जो है उनकी है, उसके अलावा एक संगठन सब जगह बना होता है, हर सेवा के अंदर कर्मचारियों में सभी जगह पे वो एक फेस होते हैं उस पूरी कैटेगरी के, सभी जगह हैं। आप अगर कहें कि कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम को उसका खामियाजा उठाना पड़ता है, तो देखिए एसोसिएशन को इन लोगों ने ऑथराइज किया हुआ है कि आप लोगों को स्ट्राइक करनी है, कि निर्णय करने हैं, अगर समझौता भी करके आ रहे हैं ये लोग तो सबकी सहमति बनी है उसके अंदर, एक बात। दूसरी बात, क्या वास्तव में सरकारों को एक दायित्व नहीं बनता है कि समय से या जो चीजें उन्हें सॉर्ट आउट करें? अभी जैसे श्याम जी ने कहा कि सरकारों के समझ में तब से आती है कि या तो बिल्कुल शटडाउन हो या फिर उग्र परिस्थितियां बने, तो वहां से स्टेप शुरू होते हैं वार्ता के। नहीं देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं जब बेसिकली जब सीए मैंने जब ज्वाइन की तो एक बार जो है हमारे ऊपर सबसे पहले सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हुआ, और जब सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हुआ तो हमारे जो आपके लिए यूनियन, देखिए हर एक जगह होती है, हमारे चार्टर की भी जो है यहाँ पर जो है एसोसिएशन थी, और उनके जो चेयरमैन थे वो आज नहीं है, वो सीएल झंवर साहब थे, और सीएल झंवर साहब, जब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने भी जो आपने जो कहा ना वही किया कि हमने भी जो है स्ट्रेच सर्किल के ऊपर बाहर आकर के और हमने भी वो स्ट्राइक जो है कर दी। आप बिलीव करेंगे कि सीएल झंवर साहब ने कहा कि हाँ मुझे आज लगा कि ये रियल प्रोफेशनल्स हैं जिनको बेसिकली
इसी तरीके से स्ट्राइक करनी चाहिए। आज मुझे जो है एक नीचे जो है उसमें और प्रोफेशनल जो आपने किया ना उसमें मुझे कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। और आप देखिए उसके बाद में हमारे ऊपर जो है सर्विस टैक्स भी लगा, लेकिन उसके बाद आज तक के इतिहास के अंदर जो है कभी दोबारा सर्विस टैक्स नहीं की। उन्होंने कहा कि आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो बातें करनी है, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, आपके पास इतने प्रोफेशनल्स लोग हैं कि जिनकी बातों को आप जो है सरकार तक रख सकते हैं, उनकी बातों को वहां तक रख सकते हैं, तो वो जो तरीका है वो तरीका सबसे पहले अपनाना चाहिए। जब तरीके नहीं बचेगी साहब, आपने कहा तो बिल्कुल ही हम बिल्कुल ही खत्म हो गए इस तरीके, तो अपनाना चाहिए। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता किस परिस्थिति पर ये आ गए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं ये होनी चाहिए। और क्योंकि उनका जो खामियाजा है, देखिए सरकार ने जब सब चीजें अपने स्तर पर करी और सारी चीजें जब करी है ना, तो बेसिकली जो है मैं कह रहा हूं कि यूनियन को भी जो है, क्योंकि वो भी इस लोकतंत्र के हिस्सा है, वो भी जो है सरकार के, उनको भी अपनी बात जो है किसी भी रूप में, चाहे समाचार पत्रों के द्वारा हो या लोगों द्वारा, ये बातें रखनी चाहिए। तो लोगों को, जनता को पता चलना चाहिए कि हाँ, जैसा अभी श्याम जी ने कहा कि हाँ, कौन सी ऐसी मांगे हैं जो मांगी जा सकती है और सरकार नहीं मान रही, और कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आप मांग रहे लेकिन सरकार नहीं मान रही। ओला जी ने यही बात कही कि 2014 से हम धीरे 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 सरकार को अवगत करा रहे हैं। नहीं, सरकार को जनता को पता नहीं चला ना, मंत्री जनता को पता नहीं चला ना, जनता ने देखिए जब जनता को परेशानी हुई जनता को पता नहीं चला। अब जनता यही नहीं कर पाई कि कौन गिल्टी है, खाली आप और हमारी बहस से जो है जनता ही बताएगी कि कौन तो गिल्टी है कौन नहीं है। तो मैं कह रहा हूं ये जो चीजें हैं इन चीजों का एक समाधान निकलना चाहिए ना, कि भाई किस हम लोगों ने ये जो कहा कि भाई ये चीजें थी, तो ये जो डिमांड थी सरकार ने कहा ये डिमांड मांगने को तैयार है, इन्होंने कहा कि भाई ये डिमांड हमारी जो नहीं है। एक बात कहना चाहूंगा आपको, देखिए समय समय पर प्रेस ब्रीफिंग भी की है डॉक्टर्स ने भी, और कई बार इस बात को दोहराया इन्होंने कि हमारी मांगे हैं और हमारी मांगे मानी नहीं जा रही हैं, हमें मजबूरन स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। यदि ऐसा होता ना, यदि ऐसा होता ना, तो आज बहुत सारे डिसीजन माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जिनके अंदर जो है जो काम नहीं हो सकते, चाहे सेना लगा करके जो है करवाने पड़े हो, लेकिन वो काम जो है न्यायपालिका ने कराए है ना। तो इसलिए जो है न्यायपालिका ने भी कहा कि कहीं ना कहीं इन चीजों के अंदर जो है पंकज कहीं ना कहीं फर्क है, इसलिए लोगों के सरकार कोई नहीं हो, लेकिन सरकार की भी जो जिम्मेदारी, सरकार भी जो है बेसिकली कहीं ना कहीं जो है जनता की प्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं दोनों चीजों की जो चीजें हैं वो सामने आनी चाहिए, बहुत खुले रूप में आनी चाहिए। बिल्कुल गलती है, मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको ये लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें हठधर्मिता थी डॉक्टर्स की, इसी वजह से सरकार उन पे गौर नहीं कर रही थी, आज भी वो लिंगरों ने देखिए आज अभी कहा श्याम जी ने अभी कहा कि ऐसी मांगे हैं जो मानी नहीं जा सकती, उनको भी जो मांगे हैं जो अभी भी नहीं मानी गई और ना ही मानी जा सकती, तो वो जो चीज है वो क्या कहलाएंगे आप, उसको कोई भी नाम दे दे। हो सकती है ऐसी मांगे हो कुछ जो सरकार की मजबूरी नहीं मांग सकती, एकल पारी की बात को हो सकता है कि सरकार उसे गंभीरता से नहीं ले रही हो, या हो सकता है सरकार को दुविधा लगती हो कि एकल पारी होने से जनता को दुविधा हो जाएगी। लेकिन पे बैंड बढ़ाने की मांग, जब सेवेंथ पे कमीशन आ गया और हर वर्ग अपना पे बैंड बढ़वाना चाहता है और प्रमोशंस का क्राइटेरिया इंटर्नशिप को लेकर के जो है कि इंटर्न जो है 3500 मिलते हैं उसको 7000 किया जाना चाहिए, इन्होंने बहुत सारी ऐसी जेन्युइन डिमांड्स बताई जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसोलिडेट करने की और इशारा करती है। झोला छाप डॉक्टरों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें क्या संदेह, अगर जनता को सचमुच में आपको मेडिकल सुविधा देनी है तो। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि खुद माननीय उच्च न्यायालय ने इनफैक्ट अभी जो हाईकोर्ट ने कहा कि एक डॉक्टर पर 800 पेशेंट्स का बर्डन है, तो उसके ऊपर जब इतना बर्डन, तो गवर्नमेंट खुद ये सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर इशारा नहीं किया, गवर्नमेंट खुद आए हमारे पास उन बातों का जवाब लेकर के जिसको लेकर के सेवारत चिकित्सक संघ जो है हड़ताल कर रहा है, तो गवर्नमेंट की भी अब जिम्मेदारी हो गई क्योंकि उन्हें भी हाईकोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुत सी बातें जो ओला साहब ने कही वो तो ऐसी हैं कि मिनटों में उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जा सकता है। पीसीपी एंड डीटी एक्ट की भी इतनी ज्यादा सफलता इसीलिए हुई कि गंभीरता के साथ उसमें काम किया जा रहा है, तो ऐसे बर्डन्स जो हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और देखिए, अगर हम ये चाहते हैं कि वेलफेयर स्टेट का दायित्व निभाएं, तो डॉक्टर्स की उस दुविधा का समाधान होना चाहिए जिसको लेकर के अभी ये इशारा कर रहे थे, हम 2 घंटे भी नहीं सो पाते, यानी डॉक्टर्स की इतनी कमी है इसमें सरकारी सेवा के क्षेत्र में, तो ये डॉक्टर्स जो है इतना बड़ा इतनी टीडियस प्रोफेशन है, इसकी पढ़ाई करते हैं उसके बाद उनको इस तरह का व्यवहार मिलता है, उनका पे स्केल RS के बराबर नहीं होता, तो फिर वो पलायन की ओर मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन की ओर मजबूर होते हैं तो फिर सरकार की दुविधा ये उत्पन्न होती है कि पीएससी का प्राइवेटाइजेशन करने के लिए आमदा हो रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इनको ये भी भय होगा कि कहीं सरकार ऐसी इस उम्मीद के साथ तो ऐसा नहीं करी इनकी अनदेखी कि वो हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है। तो हमारा ये मानना है, यदि वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी को ये सरकार निभाना चाहती है, तो सबसे पहला दायित्व होना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंसोलिडेशन, मेडिकल सेवाएं को सुदृढ़ करने की बात है उसे पूरा किया जाए। एक बात रह गई थी उस समय, आपने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि चिकित्सा मंत्री, आपको ऐसा लगता है उनमें संवाद की कमी थी। देखिए, इनकी पार्टी की 4 विधायकों ने एक संभाग की मीटिंग में साफ रूप से कहा कि सरकार जो है और विशेषकर चिकित्सा मंत्री वो पूरी तरह से नाकाम है, और इवन विधानसभा के पटल पर कहा गया कि चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है।
तो ऐसी अवस्था में जब ये स्थितियां उत्पन्न हो गई तो सरकार को, विशेषकर मुख्यमंत्री को, सावचेत हो जाना चाहिए था कि अपनी ही पार्टी के विधायकों के इशारे पर या यूं कह सकते हैं हाशिए पे आए मंत्री को इस वार्ता से बाहर निकालना चाहिए था, और एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को जो संवाद करने में सक्षम हो। ऐसे होते हैं ना, कहीं हर पार्टी में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्व को लेकर के रहता है जिसकी बात को लोग मानने के लिए तैयार होते हैं, उसे विश्वास। मैं एक बात जानना चाहूंगा अर्चना जी, एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा, 2011 में जब स्ट्राइक पे थे यही डॉक्टर दुरू मियां साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, तब श्रवण कुमार आपकी पार्टी के एमएलए, उन्होंने भी इसी तरह से दुरू मियां जी को कटघरे में खड़ा किया था। मैंने आपको शुरू में डिबेट की शुरुआत में कहा, कोई भी विगत का उदाहरण आपके पास है तो उसे सीखिए ना, उसका रिपीटेशन क्यों करते हैं। अगर आपको ऐसा लगा कि हमारी पार्टी किसी विधायक ने हमारे चिकित्सा मंत्री पर प्रश्न खड़ा किया था, तो आज आपकी पार्टी के विधायकों ने चिकित्सा मंत्री पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और कब खड़ा किया, जब प्रदेश में मौतें हो रही हैं, हजारों लोग मारे जा रहे डेंगू चिकनगुनिया, और मंत्री जी कह रहे हैं साहब 5 मौतें हुई है, ये तो एक तरह से आई वॉश की तरह से हुआ कि मंत्री जी स्वीकार ही नहीं करना चाहते। अब चिकित्सक क्या करे, वेस्ट बंगाल के एक चिकित्सक ने एक फेसबुक पोस्ट डाल दी। समय कम है, मेरी बात ये बहुत बड़ा उदाहरण है समझने के लिए कि सेवारत चिकित्सक क्यों इस तरह से उद्वेलित होते हैं। उसने फेसबुक पोस्ट डाली कि मेरे सामने हजारों पेशेंट खड़े हैं लेकिन मेरे पास इलाज देने के लिए कुछ भी, ना टेस्ट कर सकता हूं, ना भर्ती कर सकता हूं, ना सुविधा। तो सबसे पहले गाज क्या गिरी कि वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो था आईएएस ऑफिसर, सबसे पहले उसको सेवा मुक्त कर दिया। उसने फिर लिखा कि मैं तो 63 साल का हो गया, आपने मुझे सेवा मुक्त कर दिया, लेकिन वो हजारों लोग जो डेंगू से मर रहे हैं उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की। तो इन चीजों को संज्ञान में लेना पड़ेगा, सुपरफिशियल इंतजाम नहीं करने चाहिए, इनकी जो वाजिब मांगे माननी चाहिए, और जिन मांगों में कोई दुविधा उसके लिए इनको विश्वास मिलेगा कमेटी गठित करके, और उसमें इसकी इनकी मेंबरशिप होनी चाहिए ताकि निदान। चलिए पंकज जी, 30 सेकंड का समय दूंगा आपको क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं तो अर्चना जी की यही बात कर रहा हूं, अर्चना जी कह रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य मंत्री, मैं कह यहाँ स्वास्थ्य मंत्री की अकेले की बात है, यहाँ तो आप यदि पिछली बार की सरकार में देखेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री छोड़िए, केंद्र के मंत्री से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री लेके मुख्यमंत्री तक जो है खुद ही जो है शामिल हो गए। स्ट्राइक का रिजल्ट क्या मान के चल रहे हैं आप? देखिए योगेंद्र जी, अब ये तो सरकार और ये सब कह रहे हैं कि समझौता कर लिया गया, लेकिन दबाव में समझौता हुआ है। आपको पता है कि 16 तारीख को हाईकोर्ट को सब कुछ बताना है कि हमने क्या कार्रवाई की, क्या नहीं की, सारी बातें की। ये डॉक्टर्स को भी पता है कि कोर्ट में यदि इन्होंने कार्रवाई करके अगर दे दिया तो भविष्य कईयों का डॉक्टर्स का खराब होने वाला था, तो डॉक्टर्स भी दबाव में थे। राज्य मानवाधिकार आयोग पूछ रहा है, लोकायुक्त पूछ रहा है, तो सारी चीजें जब सरकारी मशीनरी के अलावा जब उच्च अतिरिक्त का जो कि कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं सीधी तौर पर, इस दबाव में फैसला हुआ है। और क्योंकि चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, और सेवा चिकित्सकों की ये कहें कि सामूहिक अवकाश से वापस लौट आए हैं, कई जगह सेवाएं दुरुस्त हो गई हैं, और लेकिन ये जो बात सबसे बड़ी यही है कि हमारा जो सवाल था क्या भविष्य में अब स्ट्राइक नहीं होगी, इस पे कोई जवाब अभी ना सरकार के पास है ना सेवारत चिकित्सकों के पास में है कि मांगों के ऊपर है। अगर मांगों पे सौहार्दपूर्ण तरीके से सरकार ने उस पर गौर फरमाया तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कुछ हम आगे बढ़ेंगे और झुकेंगे, कुछ सरकार को आगे बढ़कर के झुकना होगा। और अगर दोनों तरफ से अड़ियल रुक रहा तो आज नहीं तो कल एक बार फिर आपको इसी तरह की आपदा, त्रासदी या सेवा की जो अभाव है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो माफ करिएगा ओला साहब, आप लोग भी गौर करें, आपने हालांकि अपनी स्थिति बताई है, कुछ चीजें हैं जिसपे सरकार को भी गौर करना होगा। अभी ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से भविष्य के लिए स्ट्राइक नहीं होगी या अवकाश पे नहीं जाएंगे, अभी भी वो चीजें सामने खड़ी हुई हैं, मुंह बाहें खड़ी हुई हैं, जिसपे सरकार को अब रिजल्ट देना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।